हेलो गाइस, दिस इज आशीष प्रशर और आज का टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे स्पैनिंग ट्री के बारे में और समझेंगे कि व्हाई वी नीड स्पैनिंग ट्री इन आवर नेटवर्क। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पैनिंग ट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी और उसके चार रीजन हमने समझे थे कि क्या रीजन हैं एक्चुअली जिसके थ्रू हमें स्पैनिंग ट्री यूज़ करना पड़ता है। तो पहला रीजन है हमारा ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग, सेकेंड रीजन है हमारा नेटवर्क लूप, थर्ड रीजन है हमारा मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन, फोर्थ रीजन है मैक एड्रेस टेबल इनस्टेबिलिटी। तो पहले रीजन पर फोकस करते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम। समझते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम कैसे वर्क करता है। आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम है, आप देख रहे हैं, तो इसमें पीसीसी पे हमें जाना है। पीसी ए से लेके हमें पीसीसी तक कम्युनिकेशन करना है। कैसे हम कम्युनिकेशन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्ट? हमें ब्रॉडकास्ट पहुंचाना है पीसीसी तक। तो जैसे हम पीसी ए आपका कम्युनिकेट कर रहा है स्विच वन से, तो स्विच वन पे जब रिक्वेस्ट जाएगी, स्विच वन पे ब्रॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है पीसीसी की, पीसीसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पीसीसी को वो दोनों इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा स्विच वन, स्विच टू और स्विच थ्री पे। स्विच थ्री पे भी इन्फॉर्मेशन है पीसीसी की लेकिन स्विच टू पे नहीं है। तो स्विच टू इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन पास करेगा, और स्विच टू पे इन्फॉर्मेशन जब पीसीसी की नहीं है तो जो भी इंटरफेस है उससे कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन आगे पास करेगा। जब आगे पास करेगा स्विच थ्री पे, तो स्विच थ्री पे दो एक ही ब्रॉडकास्ट की दो रिक्वेस्ट आ जाएंगी, जो स्विच टू से भी आएगी और स्विच वन से भी आएगी। तो उस केस में वो इन्फॉर्मेशन पास स्विच थ्री पास करेगा स्विच टू के ऊपर भी और स्विच वन के ऊपर भी पीसीसी की इन्फॉर्मेशन। तो जो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट हमें पीसीसी पर पहुंचाना था वो इन्फॉर्मेशन आपस में घूमती रहेगी, वो ब्रॉडकास्ट हमारा आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हम, और वो एक तरह से लूप क्रिएट कर देगा। तो लूप क्रिएट कैसे होगा? इस वजह से होगा लूप क्रिएट कि जैसे स्विच वन से इन्फॉर्मेशन सेंड की गई स्विच टू पे, स्विच टू उस इंटरफेस को छोड़ के जिस इन्फॉर्मेशन से पैकेट आया है उसे छोड़ के दूसरे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, यानी स्विच वन पे तो वापस नहीं भेजेगा लेकिन स्विच थ्री पे भेज देगा। अब स्विच थ्री पे जाएगा, स्विच थ्री पे चेक करेगा स्विच थ्री पे इन्फॉर्मेशन है, तो स्विच थ्री क्या करेगा, पैकेट रिप्लाई बैक देगा स्विच टू को और स्विच वन को भी। वन के पास भी इन्फॉर्मेशन दो तरह से आएगी, स्विच टू के थ्रू भी आएगी, स्विच थ्री के थ्रू भी आएगी। तो जो ये ब्रॉडकास्ट है, जो स्विच थ्री से ब्रॉडकास्ट पैकेट गया वो दोनों तरफ जाएगा, तो वो पैकेट आपका एक तरह से मूव करता रहेगा आपके नेटवर्क में। ये तो तीन स्विच का नेटवर्क है, मान लीजिए ये 15 स्विच का नेटवर्क हो, तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट आपका नेटवर्क में ट्रैवल ऐसे करेगा कि 15 स्विचेस पे ब्रॉडकास्ट जाएगा और रिक्वेस्ट आपका नेटवर्क इसमें चौक हो सकता है एक तरह से। तो जब ब्रॉडकास्ट सिस्टम की हमने बात की, तो हम ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम जब हमारे नेटवर्क में होता है तो हमारे नेटवर्क में लूप क्रिएट होते हैं। तो नेटवर्क में लूप जब हमारे क्रिएट होते हैं तो उस केस में लूप क्रिएट होने पर जब भी लेयर टू हमारे डिवाइस लूप क्रिएट करती हैं, बिकॉज लेयर टू पे कोई अंडरस्टैंडिंग लेयर थ्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जिसके थ्रू पता चले कि पैकेट को एक्चुअली कहाँ पे ट्रांसमिट करना है, मैक एड्रेस के फॉर्म में ही वो मैक एड्रेस के थ्रू ही वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिसीजन जो ले सकते हैं मैक एड्रेस के बेस पे ले सकते हैं। तो मल्टीपल केस में क्या होता है, जब भी नेटवर्क लूप होता है उसमें जो आपका स्विच होता है उसकी यूटिलाइजेशन CPU यूटिलाइजेशन 100% तक जा सकती है। जैसे ही 100% आपकी स्विच की यूटिलाइजेशन जाएगी तो उस केस में स्विच नेटवर्क पे वर्क नहीं करेगा और आपका नेटवर्क अनस्टेबल कर सकता है। तो ये आपका रीजन है, फर्स्ट रीजन हुआ आपका ब्रॉडकास्ट स्टॉप, सेकंड रीजन हुआ है नेटवर्क लूप, तीसरा रीजन है मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन। जनरली आप जानते हैं फ्रेम आपका वर्क करता है लेयर टू के ऊपर, लेयर टू मीन्स डेटा लिंक लेयर। तो जब भी पीसी ए से कोई पैकेट जाएगा, फ्रेम जाएगा पीसीसी पे, वो फ्रेम कैसे जाएगा, फ्रेम ऐसे जाएगा कि स्विच पे जाएगा स्विच वन पे, स्विच वन को इन्फॉर्मेशन नहीं है पीसीसी की, तो वो दोनों
स्विच पे ट्रांसमिट कर देगा। स्विच टू के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या करेगा, स्विच वन को नहीं भेजेगा वापस में, लेकिन जो कनेक्टेड डिवाइस है उन्हें भेजेगा। कनेक्टेड डिवाइस है स्विच थ्री। अब स्विच थ्री आपका डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच टू से भी है और स्विच वन से भी है, और स्विच थ्री के पास इंफॉर्मेशन फ्रेम की है भी जो हमें पीसीसी पे जाना है। तो उस केस में स्विच थ्री जो रिप्लाई देगा वो दोनों को देगा, स्विच टू को भी देगा, स्विच वन को भी देगा। तो जो आपकी ये फ्रेम ट्रांसमिशन होगा वो मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन होगा, और उस केस में फ्रेम ट्रांसमिशन के केस में ये आपका रिक्वेस्ट चलती ही रहेगी। अगर मल्टीपल स्विचेस होंगे तो ये रिक्वेस्ट स्विच थ्री से दूसरे स्विचेस पे भी जाएगी, दूसरे स्विचेस से जो भी कनेक्टेड होंगे उन पर इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट मल्टीपल आपकी फ्रेम आपका ट्रैवल करता ही रहेगा। जो आपने फ्रेम भेजा मैक एड्रेस के बेस में तो वो आपका ट्रैवल करता रहेगा। थर्ड कंडीशन है आपकी मैक एड्रेस टेबल इंस्टेबिलिटी। इस केस में एक और रीजन है इस एसटीपी यूज़ करने का कि जो मैक एड्रेस टेबल एसटीपी के विदाउट क्रिएट होती है वो टेबल इंस्टेबल होती है, वो टेबल चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है, पीसीए से आप जाना चाहते हैं पीसीसी के ऊपर, आपका स्विच है स्विच वन, स्विच वन ने दोनों रिक्वेस्ट भेजी, स्विच टू पे भी स्विच थ्री पे भी। स्विच थ्री के पास इंफॉर्मेशन है मैक एड्रेस की पीसीसी के, बट स्विच टू के पास नहीं है। स्विच टू क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को आगे भेजेगा स्विच थ्री पे के ऊपर, टू पे नहीं भेजेगा, वन पे नहीं भेजेगा, थ्री के ऊपर भेजेगा। तो थ्री पे इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो पीसीसी के मैक एड्रेस की। अब मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन के लिए दो तरफ से रिक्वेस्ट आ चुकी है स्विच थ्री के पास, स्विच थ्री के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है स्विच वन से और स्विच टू से। तो स्विच टू क्या स्विच थ्री क्या करेगा, आपका रिप्लाई बैक देगा स्विच टू को भी स्विच वन को। तो जब दोनों इंटरफेस से स्विच टू आपका रिप्लाई बैक देगा स्विच वन को, तो स्विच वन के पास दोनों अलग अलग इंटरफेस से सेम मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट आती रही आपकी। जैसे स्विच थ्री ने, मैं आपको बता देता हूँ, स्विच वन ने रिक्वेस्ट भेजा स्विच टू पे, स्विच थ्री पे, स्विच थ्री ने चेक किया कि मैक एड्रेस कौन सा जानना चाह रहे हैं, तो मैक एड्रेस हम जानना चाह रहे हैं पीसीसी का। अब स्विच टू के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो स्विच टू ने आगे इन्फॉर्मेशन भेजा पीसीसी के लिए स्विच थ्री पे। स्विच थ्री ने चेक किया, स्विच थ्री ने सोचा कि ये दोनों को एड्रेस बताना है मुझे, तो स्विच थ्री ने दोनों की इन्फॉर्मेशन आगे स्विच टू पे भी भेजी, स्विच वन पे भी भेजी। स्विच टू ने इन्फॉर्मेशन वन को दी, स्विच थ्री ने डायरेक्ट वन को दी, अलग अलग इंटरफेस से। तो अलग अलग इंटरफेस से सेम मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन स्विच वन के ऊपर आ गई है। तो उस केस में जो मैक एड्रेस टेबल है वो अनस्टेबल हो जाती है। उस केस में मैक लुकअप जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है और मैक एड्रेस टेबल प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो पाती है। तो ये भी एक रीज़न है एसटीपी को यूज़ करने का। तो मैंने आपको चार रीज़न बताए। पहला रीज़न बताया कि ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप जब ब्रॉडकास्ट आपके नेटवर्क में होता है तो अगर एसटीपी नहीं है तो ब्रॉडकास्ट आपका ट्रैवल करता रहेगा। अगर एसटीपी है तो क्या हुआ, तो ब्रॉडकास्ट जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट स्विच टू से इधर भी आएगा और स्विच थ्री से भी आएगा। अगर मान लीजिए मैं एक पोर्ट ब्लॉक कर दूँ स्विच टू से स्विच वन का, ये वाला पोर्ट मैं ब्लॉक कर दूँ, तो मेरा ब्रॉडकास्ट यहीं पर रुक जाएगा, मुझे स्विच थ्री से इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्विच वन की, वन पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, लूप मेरा क्रिएट होना ख़त्म हो जाएगा, मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन होना ख़त्म हो जाएगा, मैक एड्रेस टेबल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एसटीपी आपका लूप तो प्रिवेंट करता ही है, साथ में रिडंडेंसी नेटवर्क में जब आपका नेटवर्क कभी किसी वजह से डाउन होता है उस केस में जो आपका स्टैंड बाई राउटर होता है या स्विचेस होता है उस पे उसे एक्टिव भी बनाता है, उसे एक्टिवेट भी करता है। एसटीपी रिडंडेंस मेनली हमारा रिडंडेंसी नेटवर्क में यूज़ होता है और रिडंडेंसी नेटवर्क में अवॉइड लूप को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है कि हमारे रिडंडेंसी नेटवर्क में लूप क्रिएट ना हो। ये आपका रिडंडेंसी नेटवर्क है। स्विच टू के स्विच वन के ऊपर भी दो आपके पास लेयर आ रही हैं, आपकी प्राइमरी हो सकती है स्विच टू वाली और सेकेंडरी हो सकती है स्विच थ्री की। ऐसे ही ये आपका एक रिडंडेंट नेटवर्क है। जब भी आप रिडंडेंट नेटवर्क की बात करते हैं तो आपके स्विच के ऊपर दो कनेक्शन होने चाहिए,
जैसे ISP का राउटर है, तो ISP का राउटर आपका स्विच 1 पर भी टर्मिनेट होगा, स्विच 2 पर भी टर्मिनेट होगा। तो ये केस है स्पिनिंग ट्री का। इससे हम अपने नेटवर्क में लूप प्रिवेंट कर सकते हैं और स्टैंड बाई पाथ को एक्टिवेट करने का काम भी आपका STP ही करता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे STP नेटवर्क में वर्क करता है, क्या उसकी एल्गोरिथम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।